उपखंड अधिकारी अनीस मलिक के संरक्षण में कपिल नामक व्यक्ति विभाग से ले रहा डबल तनख्वाह। आखिरकार विभाग को नुकसान की पहुंचाने पर तुले हुए हैं उपखंड अधिकारी अनीस मलिक और अवर अभियंता आशीष रतन त्रिमूर्ति की जोड़ी सब पर क्यों है भारी। गाजियाबाद लोनी विद्युत वितरण खंड 3 उपकेंद्र इंद्रप्रस्थ टीला सहबाजपुर लोनी बिजली घर में उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात अनीस मलिक और अवर अभियंता आशीष रतन की जोड़ी शत-प्रतिशत रंगा विल्ला वाली नजर आ रही है, जैसे कि रंगा बिल्ला की जोड़ी हो। दोनों ही अधिकारी एक साथ मिलकर सरकार की छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनके कारनामे बता रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुटी बिजली घर पर एसएसओ के पद पर तैनात कपिल नामक व्यक्ति मजे काट रहा है और अपने हमदर्द को सुविधा उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि एसएसओ कपिल नामक व्यक्ति एसएसओ की तनख्वाह के साथ साथ संविदा कर्मी पेट्रोलमैन की भी तनख्वाह ले रहा है। नई कंपनी के आने से पहले तक और यह तनख्वाह पूर्व में कुटी बिजली घर पर तैनात सुमित नामक संविदा कर्मी पेट्रोल मैन के नाम से ही ली जा रही है, जो फिलहाल में 5-6 महीने से बिजली घर पर कार्यरत ही नहीं। और यह एसएसओ कपिल कुटी बिजली घर पर नया मीटर लगाना, डिस्कनेक्शन करना और कंप्लेंट बनाना और नए कनेक्शन कराना इत्यादि काम को अंजाम अपने आकाओं के इशारे पर देता है। आखिरकार कुटी बिजली घर पर भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर क्यों है? वैसे तो उपखंड अधिकारी अनीस मलिक छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव होकर लोगों को ज्ञान बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ते और दूसरी तरफ सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हर भ्रष्टाचारी खेल को अवर अभियंता आशीष रतन के साथ मिलकर खूब खेलते हैं। आखिरकार उपखंड अधिकारी अनीस मलिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर किसी विभाग के ईमानदार उच्च अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि कोई उच्च अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इन लोगों पर कार्यवाही भी कर पाता है या नहीं। जल्द ही उपखंड पर तैनात अधिकारियों के और भी नए कारनामों का खुलासा किया जाएगा।